हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रदीप बत्रा। आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्राई मैट्रिक्स मीडिया पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नियो बैंकिंग सर्विसेज की एक एप्लीकेशन चेकबुक के बारे में। अगर आप एक शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है तो ये वीडियो आपके लिए, इसे जरूर देखिए। चलिए, चेकबुक के बारे में जानने से पहले हम लोग नियो बैंकिंग सर्विसेज के बारे में जान लेते हैं। नियो बैंकिंग सर्विसेज क्या होता है? इनकी कोई डिजिटल एंटिटी नहीं होती है, इनका अपना कोई फिजिकल ब्रांच भी नहीं होती है। ये दूसरे बैंकों के साथ मर्ज करके आपको उनकी सर्विसेज को अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप इस एप्लीकेशन को क्यों यूज करोगे जिनकी अपनी कोई ब्रांच भी नहीं है, आप इस पे कैसे ट्रस्ट करते हो जबकि मार्केट में दूसरे बैंकों की एप्लीकेशन को आप यूज करके उनकी फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज कर सकते हो। तो ये जानने के लिए आप आगे की वीडियो देखिए। चलिए चेकबुक की केस स्टडी कर लेते हैं। आप किसी भी बैंक के अंदर जाकर अगर अपना करंट अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी प्रोसेस से निकलना पड़ता है। उसके बाद आपको उस बैंक अकाउंट के अंदर एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है जो 5,000, 10,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक रहता है, किस तरह का बैंक आप चूज करते हैं। पर चेकबुक आपको प्रोवाइड कर रहा है जीरो बैलेंस करंट अकाउंट सर्विसेज, ये इसके बेनिफिट है। इसके अलावा ये आपको डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक इन्वेस्टमेंट, लोन सर्विसेज और डिफरेंट खाता बुक मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करवा रहा है। तो चलिए इसकी बैंकिंग सर्विसेज के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको 5 तरह की बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। इसके अंदर बैंकिंग, लोन, खाता, इंश्योरेंस और रिवॉर्ड पॉइंट जो ये आपको ट्रांजेक्शन के ऊपर प्रोवाइड करवा रहा है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। बैंकिंग सर्विसेज के अंदर आप अपने ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, ट्रांजेक्शंस को मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपसे नहीं ले रहा है। अगर आपका जीरो बैलेंस है तो भी आपके कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। अगर इसकी खाता सर्विसेज को आप यूज करते हैं तो इसकी खाता सर्विसेज के अंदर आप किसी भी अपने कस्टमर को जो आपसे सामान लेकर गया है उसको रिमाइंडर भेज सकते हैं, उससे अमाउंट भी ले सकते हैं, वहां से लिंक भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी डीलर से कुछ सामान मंगाना है तो आपको उसको लिंक भी भेज सकते हैं, वहां पे डेट और अमाउंट भी मेंशन कर सकते हैं जिससे आपको डेट याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इसकी लोन सर्विसेज को यूज करते हैं तो लोन सर्विसेज के अंदर ये शॉर्ट और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पे, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, जिसको आप अपने धीरे धीरे ट्रांजेक्शन्स करके धीरे धीरे टाइम इंटरवल पे चुका सकते हैं। अब आप इसकी इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए बात करेंगे तो ये डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज शॉपकीपर के लिए और उसकी फैमिली के लिए प्रोवाइड करवा रहा है। अब इसके एक खास फीचर रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हो तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिवॉर्ड्स पॉइंट आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसको आप अलग अलग एप्लीकेशंस के ऊपर परचेज करने में, शॉपिंग एप्लीकेशंस के अंदर यूज कर सकते हो। तो काफी अच्छे फीचर्स के साथ ये एप्लीकेशन मार्केट में आया है। चेकबुक जैसी और एप्लीकेशन फिनटेक स्टार्टअप मार्केट में अवेलेबल है, बिकॉज फिनटेक स्टार्टअप का मार्केट बढ़ने से नियो बैंकिंग सर्विसेज बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं और इनका बहुत ज्यादा वास्ट एरिया कवर कर रही हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ चुकी है। ओवरऑल रिव्यू मेरी तरफ से काफी अच्छा है। मैं पर्सनली भी नियो बैंकिंग की काफी सारी एप्लीकेशन को यूज करता हूँ, आप भी यूज कीजिए, आपको काफी अच्छा लगेगा यूज करके। इस ऐप की सारी प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिटेल के साथ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको अपडेट मिल जाए जब भी वीडियो YouTube चैनल पर अपडेट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और आपको लगता है किसी तरह की इंप्रूवमेंट की नीड है या कोई एप्लीकेशन है जिसका आप रिव्यू मुझसे चाहते हैं तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।